वाला परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें माँ के गर्भ में बचा है, गढ़ा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जो हमें सुबह से लेकर के और याद कीजिए कि हमारे जन्म से पहले उस पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। उस सृष्टि में सुंदर इतना बड़ा आकाश को बनाया, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि आकाश जो बनाया है उसमें सूर्य चंद्रमा को बनाया, इसलिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए क्योंकि दिन में हमें रोशनी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हमें उस सूर्य को बनाया, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। उस पिता परमेश्वर को महिमा कीजिए कि हमारे लिए चांद तारों को बनाया ताकि रात के समय हमें पीतल उजाला मिल सके, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और सुंदर पृथ्वी को बनाया, उस पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के वनस्पति को बनाया, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, महिमा कीजिए उसके नाम को कि हमारे लिए उस पिता परमेश्वर ने समुद्र और नदियों को बनाया, उस समुद्र और नदियों में अनेक प्रकार के मछलियों को बनाया, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, इसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। तो हमारे लिए अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को बनाया, अनेक प्रकार के अन्य को बजाया हमारे पिता परमेश्वर ने ताकि हमें कोई भी चीज की गति न हो, इसके धन्यवाद दीजिए पिता परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए कि हमारे लिए अच्छे माँ बाप दिया परमेश्वर ने परवरिश करने के लिए, हमारे देख रेख करने के लिए, अच्छे भाई बहन हुए, अच्छे नात रिश्तेदार हुए, अच्छा पड़ोसी दिया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अभी मैं जैसा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा मेरे साथ